प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक, अनिवार्य हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 6 का पाठ, कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता है उसका अध्ययन करेंगे। पहले शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी और उर्दू के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। जो प्रमुख सप्तक है उसमें दूसरा जो सप्तक है 1951 के कवि हैं। इनकी कविताओं के समान ही चित्रों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब हम इनके परिचय के बारे में जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर जी के भाई तेज बहादुर उनकी 2 साल उनसे छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहती थी। जब शमशेर बहादुर सिंह 8 या 9 वर्ष के ही थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई, किंतु दोनों भाइयों की जोड़ी शमशेर की मृत्यु तक रही। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोंडा से दी। बीए इलाहाबाद से किया, किन्हीं कारणों से एमए फाइनल नहीं कर सके। 1935-36 में वकील बंधु से पेंटिंग कला सीखी। रुबाब, कहानी, नया साहित्य, माया, नया पद, मनोहर कहानियाँ आदि में संपादन सहयोग किया। उर्दू हिंदी कोर्स प्रोजेक्ट के संपादक भी रहे। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। दूसरा सप्तक के भी कवि रहे। 1929 में जब ये 18 वर्ष के थे तभी इनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ, लेकिन 6 वर्ष के बाद ही इनकी पत्नी धर्मवती अर्थात 1935 में इनकी पत्नी का टीबी की वजह से देहांत हो गया। 24 वर्ष के शमशेर को आजीवन अभाव, पत्नी के अभाव में फिर बिताना पड़ा। इन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें भी इनका विभाव है वो साफ झलकता है। काल ने जिसे छीन लिया उसे इन्होंने अपनी कविता में सजीव कर दिया। युवा काल में शमशेर बहादुर सिंह वामपंथी विचारधारा और प्रगति साहित्य से प्रभावित हुए। उनका जीवन निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्ति जैसा था। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने बिंबों, उपमानों, संगीत ध्वनियों द्वारा चमत्कार और वैचित्र्यपूर्ण आघात उत्पन्न करने की चेष्टा अवश्य की, लेकिन किसी केंद्रगामी विचार तत्व का उनमें प्राय अभाव रहा।
अभिव्यक्ति की वक्रता द्वारा वर्ण विग्रह और वर्ण संधि के आधार पर नई शब्द योजना के प्रयोग से चमत्कारिक आघात देने की प्रवृत्ति। इनमें किसी ठोस विचार तत्व की अपेक्षा अधिक महत्व रखती है। शमशेर बहादुर सिंह में मुक्त साहचर्य और असंबद्धता जन्य दुर्वता के तत्व भी साफ नजर आते हैं। उनकी अभिव्यक्ति में अधूरापन भी साफ उजागर होता है। जो इन्होंने कविताएं लिखी वो उलझन भरी संवेदनशीलता से अर्थात उलझन भी थी और संवेदना के भाव भी थे। उनमें शब्द मोह, शब्द खिलवाड़ के प्रति अधिक जागरूकता है। शब्द योजना के माध्यम से संगीत ध्वनि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। शमशेर की कविताएं आधुनिक काव्य बोध के अधिक निकट, जिनमें पाठक तथा श्रोता, पढ़ने वाले और सुनने वाले के सहयोग की स्थिति को भी स्वीकार किया जाता है। उनका बिंब विधान एकदम जकड़ा हुआ रेडीमेड नहीं है, वह सामाजिक के आस्वादन को पूरी छूट देता है। इस दृष्टि से उनमें अहम वर्तन की प्रवृत्ति अपने काफ़ी शुद्ध रूप में दिखाई देती है। उर्दू की गज़ल से प्रभावित होने पर भी उन्होंने काव्य शिल्प के नवीनतम रूपों को अपनाया। प्रयोगवाद और नई कविता के पुरस्कारकर्ताओं में वे अग्रणी हैं। उनकी रचना प्रकृति हिंदी में अप्रतिम है और अनेक संभावनाओं से भी युक्त है। हिंदी के नए कवियों में उनका नाम प्रथम पंक्ति में है। अगे के साथ शमशेर ने हिंदी कविताओं में रचना पद्धति की नई दिशाओं को दर्शाया है। छायावादोत्तर काव्य को एक गति भी दी है। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य में मांसल इंद्रिय सौंदर्य के अद्वितीय चितेरे और आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक रहे। उन्होंने स्वाधीनता और क्रांति को अपनी निजी चीज की तरह अपनाया। इंद्रिय सौंदर्य के सबसे संवेदनापूर्ण चित्र देकर भी वे अगे की तरह सौंदर्यवादी नहीं हैं। उनमें एक ऐसा ठोसपन है जो उनकी विनम्रता को ढुलमुल ही नहीं बना देता बल्कि एक चोकठे में भी बांध देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके प्रिय कवि थे। उन्हें याद करते हुए उन्होंने लिखा है, भूल कर जब रहा है भटका में, तुम्ही झलके हे महाकवि सघन तम की आँख बन मेरे लिए। उन्हें क्या कर रहा है, जब भी मैं रास्ता भटका उस अंधेरे के अंदर आँख बनकर तुम्ही मेरे सामने आए, अर्थात तुमने ही रास्ता दिखाया। शमशेर के राग विराग गहरे और स्थायी थे। अवसरवादी ढंग से विचारों को अपनाना छोड़ना उनका काम नहीं था।
अपने मित्रों और कवि केदारनाथ अग्रवाल की तरह। वे एक तरफ यौवन की उमड़ती यमुनाई अनुभव करते तो दूसरी ओर लहू भरे ग्वालियर के बाजार में जुलूस भी देख सकते थे। उनके लिए निष्ठा, सामाजिकता में अलगाव और विरोध नहीं था, बल्कि दोनों एक ही अस्तित्व के दो छोर थे। शमशेर बहादुर सिंह उन कवियों में थे जिनके लिए मार्क्सवाद की क्रांतिकारी आस्था और भारत की सुदृढ़ सांस्कृतिक परंपरा में विरोध नहीं था। इनकी जो रचनाएं हैं वो है, देखिए इनकी काव्य कृतियाँ, काव्य कौन से हैं, कुछ कविताएं 1956 की, कुछ और कविताएं 1961, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं 1972, इतने पास अपने 1980, उदिता अव्यक्ति का संघर्ष 1980, चुका भी हूँ नहीं मैं 1981, बात बोलेगी 81, काल तुझसे होड़ है मेरी 88, शमशेर की गजलें। अर्थात ये तो थी उनकी काव्य कृतियाँ। अब देखिए गद्य रचना, दोआब निबंध संग्रह 1948, प्लाट का मोर्चा कहानियाँ व स्केच 1952, अनुवाद शमशेर की डायरी, सरसार के उर्दू उपन्यास कामिनी, हुसू पी कहाँ, एजाज हुसैन द्वारा लिखित उर्दू साहित्य का इतिहास षड्यंत्र, जो सोवियत संघ विरोधी गतिविधियों का इतिहास है, वांदा वासी लसवास का, ये रूसी के उपन्यास है, पृथ्वी और आकाश, आश्रय लोक में एलिस, ये थे हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो रचना किए उनसे संबंधित कवि ने क्या बताया। भीमधर्मी कवि के रूप में ये प्रसिद्ध है। किस में रूप प्रसिद्ध है? भीमधर्मी प्रगतिशील कवि, वैचारिक तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम, प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों है, इसलिए संगम भी बता दिया गया। और इन्होंने हिंदी उर्दू उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। इनकी जो कविता है उषा, इसमें इन्होंने सुबह के समय का, सूर्योदय का अनूठा वर्णन किया है, या ये कहें कि अनोखा वर्णन किया है। सूर्योदय के जो दृश्य होते हैं उनका मनोहारी, या ये कहें कि मन के आधार पर घरेलू बिंब, घर की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ही इन्हें आकार देने का प्रयास किया है। इन्हें हिंदी कविता में प्रेम का बड़ा कवि माना जाता है। छायावाद के बाद के काल में दैहिक सौंदर्य की जो छवियां रची वैसी शायद इन्होंने नहीं की। शमशेर बहादुर सिंह की
कविता उषा, उसमें इन्होंने ये बिंब गांव के बिंबों के आधार पर इसे उजागर किया। भाषा बिंब और लय तीनों का मणिकांचन सहयोग कविता में मिलता है। कौन कौन से? भाषा बिंब और लय तीनों ही इसमें उजागर हैं। मणियों का, जैसे मणि और कंचन, मणियों का, तो इस आधार पर भी इन्हें बताया है। ये है कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर, जब सूर्योदय होता है तो उसे एकदम शांत न रहकर कवि मूक दृष्टा न बनकर उसका बहुत ही प्रभावी ढंग से वर्णन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एकदम शांत न रहकर उसका सुंदर वर्णन कवि ने किया है। इसे राग का लिपा हुआ चौका या उसे साथ ही काली सील, स्लेट, खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार बिंब हैं, इनको दर्शाया है। अब देखिए, पाठ पढ़िए। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राग से लिपा हुआ चौका बहुत काली सील, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में से अवतरित है। इसमें उषा काल का या प्रातःकाल का अति मनोरम एवं सुंदर वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करेंगे। कवि ने बताया है कि प्रातःकाल है वो बहुत ही सुहावना है। प्रातःकाल होते ही प्रातः आसमान एकदम नीले शंख के समान लग रहा था, बहुत नीला शंख जैसा, अर्थात नीले शंख जैसा लग रहा था। भोर का नभ प्रातःकाल के समय आकाश का रंग है। राग से लिपा हुआ चौका आसमान है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसे क्या कर दिया गया है, राग से लीप दिया गया हो, जैसे राग का लिपा हुआ चौका हो, और अभी अभी लिपने की वजह से सभी बच्चे जानते हैं कि घरों में महिलाएं हैं वो चिकनी मिट्टी और गोबर का लेपन अपने चौके में करती है। यहाँ पर उसी प्रकार से सिद्ध बताया गया कि जैसे राग से, क्योंकि राग का जो रंग होता है वैसा ही रंग आसमान का दिखाई दे रहा है, तो गीली राग से जैसे उस चौके को लेपन किया गया हो, जिसकी वजह से अभी अभी वह गीला ही है। तो भोर का दृश्य, प्रातःकाल का दृश्य है वो बहुत ही लुभावना, कुछ काला और कुछ लाल रंग के मिश्रण जैसा नज़र आ रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि जो उजाला हो रहा है उसके बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, क्योंकि पहले अंधेरा था और फिर लाल रंग हो गया कि जैसे धुल गई हो, ऐसे लगने लगा जैसे काली सील हो और अभी अभी उसे केसर से धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी गई, ऐसे लग रहा है जैसे काले रंग की जो स्लेट होती है और उसके ऊपर खड़िया चौक, जो सूर्य निकला उसे खड़िया चौक के समान, लाल खड़िया चौक के समान बताया गया कि जैसे उस चौक चला दी गई हो। इसलिए सुबह का वातावरण है वो बहुत ही सुरम्य और आकर्षक
लग रहा है। इसमें हम विशेष करेंगे कि प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण बहुत ही आकर्षक बताया गया है। दूसरा करेंगे कि कवि ने नीला शंख और लिपा हुआ चौका आदि आसमान को उपमान दिए हैं, अर्थात उनके समान बताया है, इसलिए उपमान दिए हैं। अन्य कवियों के समान इन्होंने भी इसे क्या कर दिया है, उसके समान बता दिया गया है। आगे का हम आगामी कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।